नमस्कार किसान साथियों, मंडी भाव इंडिया न्यूज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूँ रमेश धाकड़ और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अफगानिस्तान में प्याज का आयात फिर से शुरू हो गया है और कीमतों की उछाल को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा प्याज का आयात अफगानिस्तान से किया जा रहा है। तो आने वाले दिनों में क्या हमें तेजी देखने को मिलेगी या कुछ अफगानिस्तान प्याज के आयात के कारण प्याज में हमें नरमी देखने को मिलेगी, तो देख लेते हैं पूरी रिपोर्ट क्या है। और शासन परिवर्तन के बाद अफगानिस्तान और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार अपनी सामान्य गति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सूखे मेवे के बाद भारत में खाना बनाने में इस्तेमाल होने वाले प्याज की खेप अफगानिस्तान से आने लगी है। प्याज से लदे अफगानी ट्रक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट ICP अटारी पहुँचे। यहाँ पता चला है कि अफगानिस्तान में बैंक लेन देन के अभाव में दोनों पक्षों द्वारा सद्भावना पर व्यापार फिर से शुरू किया गया था। तालिबान मिलिशिया द्वारा बागडोर संभालने के साथ भारतीय और अफगान व्यापारी बहुत चिंतित थे क्योंकि वे द्विपक्षीय व्यापार में व्यवधान की उम्मीद कर रहे थे। और किसान साथियों, तालिबानियों ने पहले पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान की तोरखम और चमन सीमाओं को सील कर दिया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार गतिविधियों के लिए उपयोग किए जाने वाले केवल दो भूमि मार्ग हैं। ICP अटारी जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ भारत के व्यापार की सुविधा प्रदान करती है। अगस्त 2019 में नई दिल्ली द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद से केवल अफगानिस्तान से माल प्राप्त कर रही है। भारतीय व्यापारी अफगानिस्तान से सूखे मेवे, प्याज और सेब का आयात कर रहे हैं। अफगानिस्तान में प्याज की बम्पर फसल हुई है और अफगानिस्तान के बल्ख और गजनी के ICP के जरिए लाए गए लाल प्याज की आपूर्ति तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर में की जा रही है। एक खेप को भारत पहुंचने में लगभग 2 सप्ताह का समय लग रहा है। फलों और सब्जियों के प्रमुख आयातक और निर्यातक श्री जतिंदर खुराना जी ने कहा कि प्याज ले जा रहे कम से कम 25 ट्रक भारत के रास्ते में थे। बेशक यह भारत में प्याज की कीमतों को कम करेगा। अफगानिस्तान से प्याज की कीमत 25 से 26 रुपये प्रति किलो है और नासिक में स्थानीय फसल की खुदरा कीमत 40 से 45 रुपये प्रति किलो है। वहीं हम बात करें यदि मध्य प्रदेश में प्याज के भाव की, तो अभी वर्तमान में 30 से 35 रुपये प्रति किलो होलसेल के रेट में अभी प्याज का भाव हमें देखने को मिल रहा है। वहीं राजस्थान में भी 30 से 35 रुपये का भाव देखने को मिल रहा है। लगभग ये एवरेज मान के चले हम तो 30 से 35 रुपए पूरे भारत में होलसेल का रेट अभी किसानों को मिल रहा है और ये किसानों को अच्छा रेट मिल रहा है। लेकिन यदि अफगानिस्तान से प्याज का आयात सरकार द्वारा किया जाएगा तो हमें लगभग कुछ दिनों तक प्याज में नरमी देखने को मिल सकती है, लेकिन इतनी भी नरमी देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि भारत में प्याज की खपत बहुत ज़्यादा होती है रोज़ाना, जिसके कारण अफगानिस्तान से प्याज की आयात करने पर भी हमें इतनी ज़्यादा नरमी देखने को नहीं मिलेगी। तो किसान साथियों, यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और सभी किसान भाइयों को ये खबर पहुंचाने के लिए आप वीडियो को शेयर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।